इथेनॉल ब्लेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट जो आप मल्टीपल टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, लाइक GS3 में आप इसको यूज कर सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली। और अगर इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो वो GS3 में ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको एसेज में भी यूज कर सकते हैं, जब आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई एसे की बात करेंगे या एनर्जी से रिलेटेड कोई एसे की बात करेंगे तो एसे में एंड GS3 में आप इसको यूज कर सकते हैं। GS3 में मोर इंपॉर्टेंटली ये एनवायरमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एनवायरमेंट, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। सो व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स जानते हैं। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में सिंस 2003 ऑनवर्ड्स। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन पायलट बेसिस launched in 2003. इसको पायलट बेसिस पर रन करने के बाद इन 2006 onwards गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी विल मेक इट मैंडेटरी टू इंक्लूड और टू ब्लेंड द गैसोलीन और पेट्रोल विथ 5% ऑफ द एथेनॉल। अब एथेनॉल होता क्या है? इट इज बेसिकली इथाइल एल्कोहल, एनहाइड्रस इथाइल एल्कोहल, जिसका आपने अपने केमिस्ट्री में स्कूल लेवल पे फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज C2H5OH, सो दैट इज एथेनॉल। इसको क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट हैज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन इट। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंजन में कंप्लीट कंबशन में हेल्प करता है ऑफ फ्यूल। सो व्हेन इट अलाउज द इंजन टू कंप्लीटली कंबस्ट फ्यूल, उसके कारण एमिशंस रिड्यूस होते हैं क्योंकि फ्यूल कंप्लीटली कंबस्ट हो चुका है, तो ये रिड्यूस करता है एमिशंस को। इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का मेजरली यूज किया जा रहा है इन व्हीकल्स। तो इसके बेनिफिट्स जब हम देखेंगे तो उसमें एक बेनिफिट तो आपने अभी पहले से ही देख लिया, दैट इट रिड्यूसेस दी एमिशंस, व्हीकुलर एमिशंस। ये पहला बेनिफिट हो गया, बाकी बेनिफिट पे मैं आऊंगा। पहले मैं आपको एक बार प्रोग्राम का पूरा टाइमलाइन बता दूं कैसे गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अटेंड करा है सिंस 2003 ऑनवर्ड्स। सो 2006 में 5% पायलट बेसिस के बाद एक्सटेंड कर दिया गया प्रोग्राम कि 5% आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं व्हीकल्स में। आफ्टर दिस इन 2019 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम एट पैन इंडिया लेवल। तो पहली बार इसको पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च किया गया इन 2019, एंड हियर इन 2019 गवर्नमेंट सेट मल्टीपल टारगेट्स। गवर्नमेंट ने पहला टारगेट सेट करा कि हम 10% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विद गैसोलीन एंड पेट्रोल अचीव करेंगे बाय 2022, देन वी विल इंक्रीज द ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल टू 20% बाय 2030। ये दो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट करे। फाइन, प्रेजेंट स्टेटस क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग का पहले, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सटेंड करूंगा बिकॉज दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टारगेट्स। तो एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट का प्रेजेंट टारगेट स्टेटस है ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हम इंडिया में एज ऑफ नाउ ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दैट इज नियर अराउंड 5.6%। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने और बोला कि OMCs को, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, प्रोक्योर करना पड़ेगा मैंडेटरली एथेनॉल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस। सो दे कैन नॉट बेसिकली इंपोर्ट एथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग इट इनटू द व्हीकल्स और पेट्रोल गैसोलीन विच इज यूज बाय द व्हीकल्स। तो इनको जो प्रोक्योरमेंट करना है OMCs को एथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग, दैट शुड बी डन फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस। अब यहां से एक और पॉइंट सामने आता है कि एथेनॉल डोमेस्टिक सोर्सेस में प्रोड्यूस होता कैसे है, हाउ डू वी गेट एथेनॉल। तो एथेनॉल यू गेट फ्रॉम द बायोमास, यू डिराइव एथेनॉल फ्रॉम बायोमास। बायोमास में आप कहां से डिराइव करते हैं? फ्रॉम द हाई स्टार्च कंटेंट प्रोडक्ट्स। जिन प्रोडक्ट्स में, जिन क्रॉप्स में हाई स्टार्च कंटेंट होता है, वहां से आप इथेनॉल को प्रोक्योर करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर शुगर केन, मेज, पोटैटो, वीट एक्सेट्रा। तो यहां से आप इथेनॉल को डिराइव कर सकते हैं थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स।
तो एथेनॉल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है 1G और दूसरा होता है 2G। ये दो टाइप्स होते हैं एथेनॉल के, 1G एंड 2G। जो 1G है दैट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक दोज ऑफ शुगर केन, वीट, मेज एक्सेट्रा। सो डायरेक्टली प्रोक्योर्ड और डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जो 2G होता है दैट इज बेसिकली द सरप्लस बायोमास अवेलेबल इन आर कंट्री विच यू ऑल्सो कॉल एज एग्रीकल्चर वेस्ट। तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोक्योर एंड डिराइव किया जाता है। तो आप यहां से इजिली अंदाजा लगा सकते हैं दैट इफ वी प्रिफर 2G बायोमास फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन देन दिस वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फूड सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री। ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर होता है। तो आपको पता चल गया कि 2003 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 5% से हमने स्टार्ट किया था ब्लेंडिंग, 10% हमने टारगेट बनाया है 2022 का, 5.6% एज ऑफ नाउ वी आर ब्लेंडिंग इट, एंड 2030 तक हमारा टारगेट है 20% तक ब्लेंड करना एथेनॉल को इन दी गैसोलीन और पेट्रोल। नाउ व्हाई आर वी ब्लेंडिंग इट? तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स इंजन टू कंबस्ट फ्यूल कंप्लीटली विच रिड्यूसेस एमिशंस। सो इट reduces vehicular emissions, thereby it is more environment friendly. ये इसका पहला benefit है। दूसरा benefit इसका ये है that it is an alternative source of energy. Third इसका benefit है that it reduces the import bill of our country because it allows us to import less oil, less energy products as the oil now can be replaced to an extent by ethanol which is domestically sourced. तो ये import bill reduce कर रहा है, environmental emissions reduce कर रहा है, एक alternative source है energy का जिसके कारण ये country को एक energy security provide कर रहा है. So these are multiple benefits of using ethanol in the vehicles. So government is now proposing E20 fuel. That is, the government is planning कि अब हमें 20% adoption को roll out करना है. 20% already target set किया था 2019 में and it was to be achieved by 2030. अभी as of now हमारे target, हमारा जो blending level है वो 5.6% का ही है. तो government अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि 20% अचीव करने की आप प्रपोजल स्टार्ट करें, एंड यू ऑल्सो नाउ नीड टू आस्क द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स टू मेक व्हीकल्स E20 कंप्लायंट। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोसेस सेट करने पड़ेंगे, आपको डोमेस्टिक सोर्सेस को भी अलाइन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है ताकि प्रोक्योरमेंट हाई वो डिलीवर कर सकें, उतना वो प्रोड्यूस कर सकें बायोमास। सेकेंडली आपको व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ये बोलना है कि आपको अपनी व्हीकल्स कंप्लायंट बनानी है E20 कंप्लायंट। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं जो आपको समझनी जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। सो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल ब्लेंडिंग? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल इज नॉट सफिशियंट। व्हाई इट इज नॉट सफिशियंट? द रीजन इज द सेकेंड लिमिटेशन दैट यू मेजरली सोर्स एज ऑफ नाउ एथेनॉल फ्रॉम द शुगर मिल्स। शुगर मिल्स 50% से ज्यादा एथेनॉल इंडिया में एज ऑफ नाउ डिलीवर कर रहे हैं टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब शुगर मिल्स अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग में अपने शुगर केन का इस्तेमाल करेंगे तो ये फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, शुगर प्राइस को फ्लक्चुएट करेगा, आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पे आप कैसे डिराइव कर रहे हो एथेनॉल? यूजिंग दी 1G बायोमास। 1G एथेनॉल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, 2G का नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फूड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री एंड फ्लक्चुएटिंग द प्राइसेस ऑफ शुगर एज वेल। द सेकंड प्रॉब्लम विद द शुगर मिल इज दैट दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण देयर इज फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल एज वेल व्हेन इट इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम शुगर मिल्स। द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट the price of sugar and ethanol
इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द मार्केट। तो इसके कारण एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्री को। एक तो शुगर मिल्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरी जो मार्केट प्राइसेस यहाँ पे प्रिवेल नहीं करती हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है शुगर की प्राइस भी और एथेनॉल की प्राइस भी। सो देयर इज नॉट अ स्टेबल प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्राइसेस ऑफ एथेनॉल इन इंडिया। और क्योंकि एक स्टेबल प्रोजेक्शन नहीं दे पाती है गवर्नमेंट ऑफ एथेनॉल, इसीलिए यहाँ पे वीक इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट बहुत ही वीक है इंडिया में ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस हैं जो एथेनॉल के रिस्पेक्ट में आपको पता होनी चाहिए। अब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, दैट व्हाट कैन बी डन। तो वे फॉरवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1G के अलावा या 1G को रिप्लेस करके 2G एथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस करें। इससे फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, पॉइंट नंबर वन, बेनिफिट नंबर वन। सेकंड बेनिफिट, ये फार्मर्स को एडिशनल इनकम प्रोवाइड करेगा, बिकॉज नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चर वेस्ट और द क्रॉप रेसिड्यूज टू दीज शुगर मिल्स और टू दोज हु आर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। तो जो स्टबल बर्निंग जैसी प्रॉब्लम हम देखते हैं NCR रीजन में, वो प्रॉब्लम्स भी एटेन्यूएट हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं टू एन एक्सटेंट इफ 2G एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया इज इंसेंटिवाइज्ड। तो 2G पे हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम 1G प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। सेकेंड इज दैट स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव आउट हियर ऑफ क्रिएटिंग डिपोज। काय के डिपोज बनाने पड़ेंगे इनको, दे विल हैव टू क्रिएट द डिपोज वेयर एग्रीकल्चर वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स कैन बी कलेक्टेड एंड डंप्ड। जब एक जगह आपके पास एग्रीकल्चर वेस्ट होगा तो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं, एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू कम एंड इंस्टॉल देयर प्रोडक्शन प्लांट्स। इससे 2G प्रोडक्शन भी इंसेंटिवाइज होगा, फर्दर फैसिलिटेट होगा। ये दो सबसे मेजर रिकमेंडेशन है। तीसरा रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को एक स्टेबल प्राइस प्रोजेक्शंस देने पड़ेंगे टू दी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इथेनॉल इन इंडिया, जिसके कारण जो अभी एग्जिस्टिंग शुगर मिल्स भी हैं वो भी अपना प्रोडक्शन स्टेबलाइज कर सकें, एंड फ्यूचर में जो हम 2G में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड। सो गवर्नमेंट विल हैव टू कम आउट विद दी स्टेबल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस ऑफ एथेनॉल प्राइसिंग इन इंडिया, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सो दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज अ मेजर बता सकते हैं जब भी आप एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या आप यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स, तो वहां पे आप एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर सकते हैं। एनवायरमेंट में आप बात कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में बात कर सकते हैं, आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया में बात कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स वेयर यू कैन ड्रॉप दिस पर्टिकुलर इशू। एंड अगर ये इशू डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, प्लीज सजेस्ट फ्यू ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन को आप एड्रेस करने के सफिशिएंट पॉइंट्स हैं आपके पास एज ऑफ नाउ। Subscription, then you get certain benefits, like you get access to all the educators, their courses and their classes, and this access is unlimited if you take an Academy subscription. You also get to get the live classes on Academy's platform. Jo bhi classes conduct hoti hain Academy pe, those are live classes which makes the environment of class very much interactive and engaging. To isse आप रियल टाइम मैनर में फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, एंड ओवरऑल जो भी क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग हो रहता है। यू ऑल्सो गेट द डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड लाइव टेस्ट क्विजेस एट रेगुलर इंटरवल्स विच असेस यू और हेल्प्स यू टू असेस योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स
and it ensures also that no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours or civil services examination. All the courses that are available on an academy's platform after taking the plus subscription are very much structured, which help you again to have a smooth sail in this journey of civil services examination. You can easily take the subscription by downloading an academy's learning app on your mobile phone. After this, you will be required to choose the plus category or the iconic category, as there are two kinds of subscription, plus subscription and iconic subscription. There are certain more benefits available with the iconic subscription, like those of personal coach, daily answers, writing practice, and the evaluation of the same. So these are certain important benefits that you get with the iconic subscription, which are not available with the plus subscription. And this makes the iconic subscription little more expensive than the plus subscription, although the price difference is not too huge out here. So agar aap plus subscription opt karte hain, then you get multiple options of the subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for the 1 year plan, as it is the most advisable and recommended plan according to me. तो ये आपको पड़ता है 49,500 रुपीस का. यू कैन अवेल एक्स्ट्रा 10% ऑफ बाय अप्लाइंग माय कोड नमन NAMAN, एंड इफ यू अप्लाई दिस कोड द फाइनल प्राइस विल देन बी रिड्यूस्ड टू 44,550 रुपीस. आप कोई भी प्लान चूज करेंगे, आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा. एंड माय कोड विल नॉट ओनली एंश्योर दिस 10% ऑफ टू यू, बट माई पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑल्सो, विच आई विल बी प्रोवाइडिंग ओवर फोन एंड ओवर मैसेजेस टू यू इन पर्सन. देन इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देर आर अगेन सर्टेन प्लान. अगर आप एक साल का प्लान चूज करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, इट विल कॉस्ट यू 69,500 रुपीज. यहाँ पे भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ and my personal guidance and mentorship. The final price then here would be reduced to 62,550 rupees. So, aap iconic or plus apni need and demand ke hisab se choose kar sakte hain, and similarly aap choose kar sakte hain apni need and demand ke hisab se the duration of the Unacademy's plan subscription basically. Unacademy Combat start hua hai. In an academy combat, you get to face the competition of the civil services prelims examination, as there are a single question paper set containing 60 questions, jisme 45 minutes aapko milte hain. Aise combats 13 aapko milenge on every Sundays. Isme jo bhi winners honge, unko exciting prizes milenge. लेकिन प्राइजेस आपको सिर्फ एक इंसेंटिवाइज करने का तरीका है ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप पढ़ाई करें. द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड टू यू द एक्चुअल इंटरफेस ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, टू प्रोवाइड टू यू द एक्चुअल एनवायरमेंट कि कैसे क्वेश्चंस वहां पे आपको फेस करने को मिलेंगे. सो यू ऑन द पैन इंडिया लेवल कैन असेस योरसेल्फ व्हेन यू कॉम्पीट विथ योर competitors out here. So UPSC ka format pe Unacademy Combat jo hai, it is again an exciting thing for you, free of cost for each and every one of you jo isme enroll karta hai. Isme exciting prizes hai, like you get 3 months of Unacademy subscription or the equivalent amount of Amazon voucher out here. So up till 150 rank walon ko exciting prizes yahan pe milne ke chances kafi zyada hai. सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रिपरेशन में, और इसीलिए अनअकैडमी ने कुछ स्पेशल बैचेस लॉन्च करे हैं एज ऑफ नाउ. ये स्पेशल बैचेस टारगेट करते हैं प्रीलिम्स को, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. 21st ऑफ दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, 28th ऑफ दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, और आगे भी ऐसे बैच लॉन्च होते रहेंगे डेडिकेटेडली फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन. तो यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस्ड बैचेस भी हैं एंड इंटीग्रेटेड बैचेस भी हैं, विच विल हेल्प यू for the integrated preparation of prelims and mains examination.